क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सरगुजा दौरे पर कलेक्टर कुंदन कुमार समस्याग्रस्त क्षेत्रों का करेंगे निरीक्षण। एक दिवसीय दौरे पर मनीन्द्रगढ़ पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष रामविलास साहू, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। लोरमी में धान खरीदी केंद्र का हुआ शुभारंभ, मुख्य अतिथि बैजनाथ चंद्रकार ने किया शुभारंभ। कोरबा में पावर प्लांट में चोरों ने बोला धावा, कीमती सामान लेकर मौके से हुए फरार। जांजगीर चांपा में कर्मचारियों ने की हड़ताल, वेतन बढ़ोतरी की उठाई मांग। नमस्कार, मैं उषा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम छत्तीसगढ़। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। किसान जोड़ो सम्मान पद यात्रा के तहत जिला मुख्यालय में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास साहू अपने एक दिवसीय दौरे पर मनेन्द्रगढ़ पहुंचे, जहां भरतपुर सोनहत के विधायक गुलाब कमरो ने कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद सांस्कृतिक भवन में किसान जोड़ो सम्मान यात्रा के तहत आयोजन भी किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 20 लाख किसानों का लगभग 11,000 करोड़ का ऋण माफ हुआ है। कांग्रेस की सरकार किसान हितेशी पार्टी है। कांग्रेस सरकार किसान मजदूर वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। कस्बा मिला, गांव मिला, वहां पद यात्रा करके किसानों को ये संदेश दे रहे हैं हम कि हमारी जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार है, किसानों की सरकार है, गरीब के सरकार है, मजदूरों की सरकार है। और यात्रा करने से पहले हमने देखा कि हमारे राहुल गांधी जी तो आपकी जातिवाद की भेदभाव के छोड़ भारत जोड़ो यात्रा जो निकाले हैं, इससे प्रेरणा लेके छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस ने ये सोचा कि हमारे छह धरती का अगर भगवान कोई है तो किसान साथी है। क्योंकि हमको पता है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव धर्म के नाम से लड़ने वाला है, कभी ये लोग विकास की बात नहीं करेंगे, ये तो आपस में लड़ाने काम करेंगे, तोड़ने काम कर ले। मास मुंद में बंद कैदी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जिला जेल में मौके से फरार हो गया। चोरी की घटना के संबंध में पिछले कई दिनों से जेल में बंद था अपराधी को कचरा फेंकने के लिए सेल से बाहर निकाला गया, जहां मौके पर जेल से फरार हो गया। जेल के जिला आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए मुख्य प्रहरी राणा प्रताप को निलंबित किया है। अपराधी की गिरफ्तारी के संबंध सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार आकस्मिक दौरे पर हैं, तो वहीं कलेक्टर ने समस्याग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया, जिसके बाद अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने धान खरीदी केंद्र का भी दौरा किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि इस समय धान खरीदी कम है, लोग फसल काट रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अचानक धान खरीदी बढ़ेगी, जिसके लिए संबंधित सोसाइटी केंद्र को निर्देश दिया गया है। आज कुछ बतौली और सीतापुर के प्रवास पे था, तो बतौली में बतौली धान खरीदी केंद्र को देखा, वहाँ के किसानों से बात किया। और अभी जो है धान खरीदी बहुत ही शुरुआती स्टेज में है, अभी उतने टोकन नहीं कट पा रहे हैं, अभी भी किसान जो है वो मिजाई और ये सब कार्यों में लगे हुए हैं। लेकिन मैंने अभी वही बोला है प्रबंधकों को, प्रभारी को, कि आप क्योंकि एकदम से धान आने की संभावना है, तो उस हिसाब से कहीं कोई ग्लट ना हो, कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, अव्यवस्था ना हो, उसकी पूरी तैयारी कर ले। इसके अलावा स्कूल का निरीक्षण किया, PMGSY रोड, PWD रोड्स जो बन रहे हैं उसका निरीक्षण किया, NH का भी इंस्पेक्शन किया। तो पहले से स्थिति आप लोगों को भी पता, पहले से स्थिति काफ़ी सुधार हुई है, चाहे वो सूर वाला जो था वहाँ पर ठीक हुआ है, प्रतापगढ़ वाले में भी स्थिति पहले से ठीक हुई है, काराबेल में भी जो है पहले से स्थिति काफ़ी ठीक हुई है। थोड़ा धूल की समस्या मुझे लगी, तो मैंने ठेकेदार को निर्देशित किया है कि कम से कम सुबह शाम
पानी की व्यवस्था करा दें, जिससे कि क्या है लोगों को धूल उल की परेशानी न हो। महासमुंद के विजय मालवीय किड्स एजुकेशनल इंग्लिश स्कूल का संचालन बिना मान्यता के किया जा रहा है। स्कूल प्रशासन के नर्सरी से चौथी कक्षा तक ही मान्यता है। स्कूल प्रबंधक शिक्षा विभाग की सह पर आठवीं तक स्कूल का संचालन कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 2 महीने पहले ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। लोरमी में ग्राम कोदवा महंत और लीलापुर में धान खरीदी केंद्र का राज्य सहकारी बैंक का शुभारंभ मुख्य अतिथि बैजनाथ चंद्रकार ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सहकारी बैंक बिलासपुर के अध्यक्ष प्रमोद नायक ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में लोरमी विधायक डॉक्टर धर्मजीत सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर के रूप में मौजूद रहे। सरकार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से किसानों का ध्यान दिया जाएगा। कार्यक्रम का जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर ने भी सभा को संबोधित किया। वहीं इस कार्यक्रम में प्रतिनिधि सहित भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे। इस केंद्र के खुल जाने से और बैंक के खुल जाने से जो हमारे किसान हैं उनको बहुत सुविधा होगी, और जो तकलीफ उठाते थे उनके बैंक में जा करके लाइन लगाना पड़ता था उससे निजात मिलेगी। उससे हमारे किसानों को फायदा हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस कार्य की स्वीकृति के लिए माननीय अन्य व्यवस्था का सामना करना पड़ता था, इससे निजात अपने डिटोरी में बैंक खाता खोलने हो जाएगा और आने वाले समय में यहाँ पर समिति का भी धानोपार्जन केंद्र की संख्या भी बढ़ाने की बात हो रही है, तो उसको भी पूरा किया जाएगा। किसानों की सहूलियत के लिए, किसानों की व्यवस्था के लिए शासन लगातार सजग है और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से हम किसानों की एक एक समस्याओं के लिए ध्यान दे रहे हैं और आगे आने वाले समय में जो भी अगर सब निदान होगा हम सब करते आ रहे हैं। भाई हमारे जिला बैंक के अध्यक्ष और उन्होंने और 2-3 कार्यक्रम रखे हैं जहाँ पर हमको धान खरीदी का निरीक्षण करना है कि किसानों को बराबर पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, खरीदी बराबर हो रही कि नहीं हो रही है। 1800 करोड़ रुपए का अभी बोनस हमने हमारे किसानों को मिला है। 2640 और 2660 धान की खरीदी होगी पूरे भारत में, किसी भी प्रांत में इस मूल्य पर कोई धान की खरीदी नहीं होगी। कोरबा के ग्रामीणों ने कृषि भूमि नक्शा सुधार की मांग को लेकर राजस्व विभाग की खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने बताया कि 50 डेसिमल जमीन है पर राजस्व के नक्शे में केवल 9 डेसिमल जमीन ही उल्लेखित है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पूर्व में मांग पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग ग्राम दादर खुर्द में दादर खुर्द के चौक पे पास बैठे हुए हैं और हमारी जो मांग है ये है कि राजस्व विभाग जो हमारे साथ धोखाधड़ी किया है, पूर्व में हम लोग भी अनशन में बैठे हुए थे तो मौखिक रूप से आश्वासन देकर हमको उठाया गया था कि हमारी जो ज़मीन है उसका हम नक्शा सुधार देंगे करके। वर्तमान में जो हमारा ज़मीन है 50 डिसमिल है उसमें नक्शे में केवल 9 डिसमिल है, बाकी जो कहा जाए 41 जो डिसमिल है वो नहीं दिखा रहा है। तो हमारी जो मांग है कि अधिकारी, राजस्व जो अधिकारी हैं वो हमारे नक्शा को सुधार के दे। कोरबा में बंद पड़े फ्लावर प्लांट में करीब 50 से अधिक चोरों ने धावा बोलकर प्लांट से कीमती सामान चुराकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुख्य संदेही पुलिस अधिकारियों को चकमा दे मौका से फरार हो गए हैं। थाना कोतवाली के सीसीबी चौकी में पिछले दिनों अपराध कायम किया गया था, अपराध क्रमांक 1143/2022, जिसमें IPC की धारा 457, 380, 34 के तहत इसमें अपराध कायम किया गया था। पूर्व में भी इसमें कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इसी में ही एक संदेही राजा खान, उसको कल पूछताछ के लिए चौकी थाने लाया गया था। इसी बीच में बहाना बना के, बाथरूम जाने के बहाना से वो इनको चकमा देकर जो चौकी में जो पदस्थ कर्मचारी थे वहाँ से फरार हो गया है।
टीमें लगी हुई है, उनको पता तलाश किया जा रहा है और बहुत जल्दी वो उसको कब्जे में लेकर बाकी पूछताछ और आगे कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तापसेन जुड़ गए हैं। तापसेन, ये जो कीमती सामानों की चोरी हुई है, इस पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए सर, जो करार हुआ है आरोपी राजा खान, जो कुख्यात आरोपी है, पुलिस अपने हिसाब से अपने स्तर पर टीम बना के कुछ पतासाजी कर रही है, परंतु पुलिस की ही मिली भगत कुछ लगती है, जो पुलिस की हिरासत से ही आरोपी भाग गया जी। तो क्या कुछ कार्रवाई हो रही है आगे? अभी पुलिस कई टीम बना के उसकी पतासाजी कर रही, खोजबीन कर रही है, अभी तक कोई सुराग मिला नहीं है। तो आपसे धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। जांजगीर चांपा में ठेका कंपनी ग्लोबस कंपनी के पास ग्राम नरियारा के एसके पावर प्लांट के कर्मचारियों ने गेट के बाहर हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि वेतन वृद्धि को लेकर यह हड़ताल की गई है। विगत 3 वर्षों से वेतन में वृद्धि नहीं की गई है। जांजगीर चांपा में हाई स्कूल मैदान में कलेक्टर और एसपी ने भवरा चलाकर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। तो वहीं जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल में जिले के 5 ब्लॉक अकलतरा, बलौदा, बमडीही, पामगढ़ और नवागढ़ के खिलाड़ी शामिल हुए। साथ ही ओलंपिक में 5 खेलों का शुभारंभ किया गया, जिसमें पिटबुल, भवरा, कितकित जैसे छत्तीसगढ़िया खेल शामिल हैं। जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आज शुभारंभ हुआ है। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, हर वर्ग के लोग प्रतिभागी के रूप में अपने खेलों का प्रदर्शन करेंगे। स्वस्थ मनोरंजन है, तो मेरा यही कहना है कि ये छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़िया मंत्रिमंडल की ही देन है कि हम अपने पारंपरिक खेलों को, जिसे लगभग भूलते जा रहे थे, उनको आज हम याद करके उन्हीं खेलों को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रतिभागियों को यही बात समझाए हैं, खेल को खेल की भावना से खेलें। जिला स्तर का आयोजन है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, और गाँव से फिर जोनल पे, फिर ब्लॉक के बाद जिला स्तरीय, लगभग 500 खिलाड़ी यहाँ पर विभिन्न स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। 3 दिन तक ये स्पर्धा चलेगी और बड़ा उत्साह खिलाड़ियों में, उनके पालकों में है। और हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जो जिले में आयोजन हुआ था, गांव-गांव इसको लेकर उत्साह है। यहाँ से जिला स्तरीय कॉम्पिटिशन के बाद बच्चों का सिलेक्शन हुआ और वो राज्य स्तर पर। प्राइम छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख